वीरी टीवी उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। उन्नाव में कल देर रात एक महिला को सांप ने डस लिया, जिसके बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी। पति ने सांप को पकड़कर बोतल में बंद कर लिया और बोतल में बंद सांप समेत पत्नी को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर गया, जहां पर इमरजेंसी में उसका इलाज चला, जिसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। वहीं सांप को बोतल में बंद करने के मामले में पति ने बताया कि सांप को वह इसलिए लेकर आया ताकि डॉक्टरों को बता सके कि इसी सांप ने उसकी पत्नी को काटा है, इलाज के बाद वह इसे वापस से छोड़ देगा। सांप को बोतल में भरकर लाने के मामले में सीएमएस ने कहा कि यदि कोई सांप को पकड़कर लाता है तो इससे डॉक्टरों को इलाज करने में आसानी रहती है। डॉक्टरों को पता चल जाता है कि जिस सांप ने काटा है वह जहरीला है या नहीं, इसलिए वह आदमी सांप को बोतल में भरकर लाया। रामेंद्र यादव, हमारी पत्नी को सर्प ने अभी करीब 8:30 बजे के आसपास काटा है, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके आए हैं। सर्प ने काटा है, सांप। सांप कहाँ है? सांप हमारे पास है, ये है अभी, इसको अभी ये जीवित है, हमने ऑक्सीजन के लिए बना रखा है इसमें। हाँ, पकड़ लिया था हमने, क्योंकि डॉक्टर को दिखाना था, बाकी इसमें ऑक्सीजन के लिए बना रखा है। अभी जाते वक्त इसको रिलीज कर देंगे कहीं जंगल में, बाकी अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, थोड़ा सा आराम है। कहाँ से हैं आप? हम रहु कर रहे हैं अफजल नगर से। सर, इमरजेंसी में सांप काटने का मामला सामने आया है, किस तरह से इलाज हुआ है और क्या है प्रॉब्लम? कल जो है रीना यादव नाम का एक मरीज जो है स्नेक बाइट करके हमारे जिला अस्पताल में लगभग 9:05 को भर्ती हुआ है। उसकी हालत स्थिर थी, गंभीर हालत नहीं थी। हमारे डॉक्टर ने उसको देखा है, मरीज को कोई दिक्कत नहीं है ना होने कारण उसने अपने अनुरोध पर उसने आज छुट्टी करा ली है। डॉक्टर ने भी मरीज की हालत को स्थिर देखते हुए कोई दिक्कत नहीं थी तो उसकी छुट्टी आज शुरू कर दी। वहीं पेशेंट सांप भी लेकर आया था बोतल में बंद करके, किस तरीके का अगर डॉक्टर पूछेंगे सांप ने काटा? हाँ, एक्चुअली अगर वो कोई चीज़ जैसे अगर सांप ने काटा है, किस तरह का सांप है वो लेके आते हैं तो डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है कि ये पॉइजनस स्नेक है या नॉन पॉइजनस स्नेक है, तो उसके हिसाब से वो अगर लाया था तो इसमें डॉक्टरों को इलाज करने में आसानी हुई, तो इसलिए वो सांप लेके आया था। उन्नाव से मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट।